कौन है नोएल टाटा जो संभालेंगे 100 देशों में फैले टाटा ग्रुप की कमान। मीटिंग में लगी बड़ी मुहर। ब्रांडेड कपड़ों का करते हैं कारोबार। जिन साइरस से हुई थी रतन टाटा की अनबन, उनसे रहा खास रिश्ता। क्या टाटा ग्रुप में होगा बड़ा बदलाव? नया चेयरमैन बनते ही जेआरडी टाटा की कहानी क्यों हो गई वायरल? रतन टाटा के सगे भाई को क्यों नहीं मिली कमान? सौतेले भाई ने कैसे मारी बाजी? सुनिए पूरी इनसाइड कहानी। इधर रतन टाटा के निधन पे पूरा देश भावुक था, उधर टाटा ग्रुप के बड़े बड़े अधिकारी उत्तराधिकारी की तलाश में थे, इस पर विचार कर रहे थे। अंतिम संस्कार के 24 घंटे के भीतर ही टाटा ट्रस्ट बोर्ड की बैठक बुलाई जाती है और बैठक में इस बात पे फैसला होता है कि 100 देशों में फैले करीब $34 अरब के नेटवर्क वाले टाटा ग्रुप की कमान नोएल टाटा संभालेंगे। अब ये कौन है, रतन टाटा से इनका रिश्ता क्या है, और जिन साइरस मिस्त्री से रतन टाटा की कभी अनबन हुई थी उनके कितने खास हैं, ये हर कोई जानना चाहता है। कौन है नोएल टाटा? 67 साल के नोएल टाटा के पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सिमोन टाटा है, जो रिश्ते में रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नोएल टाटा फिलहाल टाटा इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। लंदन और फ्रांस से पढ़कर लौटे नोएल टाटा इंडियन नहीं बल्कि आयरलैंड के नागरिक हैं। रतन टाटा ने जैसे गरीबों के लिए नैनो लॉन्च की, वैसे ही मिडिल क्लास के लिए नोएल टाटा ने साल 2015 में फैशन ब्रांड लॉन्च किए, पहला जूडियो और दूसरा वेस्ट साइड। यहाँ तक कि टाटा का गहने का ब्रांड तनिष्क, घड़ी वाला ब्रांड टाइटन और फास्ट्रैक भी इनके ही दिमाग की उपज मानी जाती है। साल 1999 में इन्हें ट्रेंड का मैनेजर बनाया गया, जो टाटा ग्रुप का ही एक बड़ा ब्रांड है। 2003 में टाइटन और वोल्टास के चेयरमैन भी बन गए, यानी इनके पास लंबा अनुभव है जिसका फायदा टाटा ग्रुप को मिल सकता है। हालांकि इनका नाता उन साइरस मिस्त्री के साथ भी है जिनसे साल 2016 में रतन टाटा की अनबन सबके सामने खुलकर बाहर आई थी, और फिर साइरस को रतन टाटा ने ग्रुप से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। रिश्ते में नोएल टाटा साइरस मिस्त्री के जीजा लगते हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या ग्रुप की कमान संभालने के बाद ये भी रतन टाटा के रास्ते पे चलते हुए टाटा ग्रुप में कई बड़े बदलाव करेंगे? सवाल उठता है, शांतनु नायडू को क्यों नहीं मिली कमान? 31 साल के शांतनु नायडू रतन टाटा के बुढ़ापे का सहारा थे। वो रतन टाटा को अपने हाथों से खिलाते थे, कभी हाथ पकड़कर घुमाते तो कभी साथ बैठकर घंटों बात करते। नए चेयरमैन के पद पर उनकी दावेदारी भी मानी जाती रही है, लेकिन कम अनुभव और ट्रस्ट बोर्ड का सदस्य न होने की वजह से शांतनु चेयरमैन नहीं चुने जा सके। रतन टाटा की दोस्ती वाली विरासत तो नायडू ने संभाली, पर बिजनेस वाली विरासत के दावेदार नहीं बन पाए। कहा जाता है कि साल 1991 में जेआरडी टाटा की विरासत जब रतन ने संभाली तो सीधे साधे दिखने वाले रतन टाटा ने सख्त एक्शन ले लिया और सुस्त पड़े 3 अधिकारी जो बड़े पदों पर थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा, ये संदेश दिया कि ये जो कंपनी है वो देश के विचारों पर चलनी चाहिए, न कि कुछ लोग इसे चलाएंगे। जिसमें पहले थे टाटा स्टील के रूसी मोदी, दूसरे थे टाटा केमिकल्स के दरबारी सेठ और तीसरे थे इंडियन होटल्स के अजीत केलकर। ये तीनों एक व्यक्ति के हाथ में ग्रुप की कमान आने के विरोधी थे, बिजनेस में कुछ इनोवेटिव नहीं करना चाहते थे, नतीजा इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर टाटा ट्रस्ट के प्रमुख का चुनाव ट्रस्टियों के बहुमत के आधार पर कैसे होता है। टाटा के दो मुख्य ट्रस्ट हैं, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट। इन दोनों ट्रस्टों की मूल कंपनी टाटा सन्स में करीब 52% की हिस्सेदारी है। एक तथ्य ये भी है कि पारसी ही टाटा ट्रस्ट की कमान संभालते हैं। ट्रस्टियों की सहमति से फैसला लिया जाता है कि नोएल टाटा चेयरमैन बनेंगे। फिलहाल ऐसा कोई व्यक्ति टाटा ग्रुप में नहीं दिखता, लेकिन एक नई कहानी जरूर सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती है कि रतन टाटा के सगे भाई जिम्मी टाटा जब हैं, तो फिर सौतेले भाई नोएल टाटा को ग्रुप की कमान क्यों दी गई? ये सवाल कई लोगों के मन में जरूर उठ रहे होंगे, पर बिना किसी लाग लपेट के कहें तो जिम्मी टाटा खुद को कारोबार से दूर रखते हैं। मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका ने जब उनकी कहानी ट्वीट कर बताई तो दुनिया को पता चला कि रतन टाटा का कोई छोटा भाई भी है जो स्क्वैश के अच्छे खिलाड़ी है। मुंबई के कोलाबा में 2 बेडरूम वाले फ्लैट में रहते हैं, दुनियादारी से दूर अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं और बड़े भाई के जाने के बाद से वो बुरी तरह टूट गए हैं।